तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहिद कपूर जो है बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल एक्टर हैं और इनकी एक एक फिल्म हो या वेब सीरीज देखने का मजा ही बिल्कुल अलग आता है भाई। तो आज बात करते हैं शाहिद कपूर की जर्नी पे। इनकी जर्नी बहुत ही डिफरेंट और मजे की रही, मतलब यूं 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 इनका ग्राफ कुछ अलग ही है, सब एक्टर से बिल्कुल हटकर है। तो शाहिद कपूर ने अपना करियर शुरू किया इश्क विश्क प्यार व्यार मूवी से। वो मूवी का जॉनर तो रोमांटिक कॉमेडी, और उस मूवी में शाहिद कपूर ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करी थी और नो डाउट वो मूवी काफी हिट भी हुई थी अपने जमाने में। तो शाहिद कपूर ने पहली ही मूवी में बता दिया था कि नहीं भाई, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं मार्केट में नया आया हूँ लेकिन सबकी फाड़ कर रख दूंगा, क्योंकि उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था नए एक्टर्स के आने का। बट शाहिद कपूर की एंट्री ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था और वो मूवी उस एरा में, हालांकि बड़ी बड़ी मूवीज भी आई थी, फिर भी वो मूवी बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस में चली थी। I'm in love. कौन है वो? तुम पायल? अलीशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो खैर, एक रोमांटिक मूवी करने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी मूवी चुनी फिदा, जिसमें वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे, एक नेगेटिव हीरो होते हैं, और नो डाउट उस मूवी में भी शाहिद कपूर ने बहुत ही गजब की एक्टिंग करी थी। लेकिन मसला सारा ये हुआ कि वो मूवी हो गई फ्लॉप, और उसके बाद उनकी लाइन से काफ़ी सारी मूवीज ऐसी थी जो कि फ्लॉप गई। लेकिन शाहिद कपूर ने हिम्मत नहीं हारी, वो मूवी करते रहे, और एक टाइम पे ऐसा है कि उनका करियर बहुत ज़्यादा डाउन ही हो गया था कि अचानक से उन्होंने एक मूवी करी जब वी मेट, और वो मूवी मतलब ब्लॉकबस्टर हो गए, ब्लॉकबस्टर। उस मूवी के बाद समझ लें कि शाहिद कपूर की किस्मत चमक गई और उन्होंने काफी सारे उसके बाद अवार्ड्स जीते हर जगह से, मतलब इनको अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल गए। तू बहुत रायता फैला चुकी है, मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा ही करेगी, ऑलराइट कम ऑन। तो खैर, जब वी मेट बहुत ज़्यादा सक्सेस पे आ गए, उसके बाद उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, और जारी रखने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद भी उनकी मूवीज़ फ्लॉप होती गई। हालांकि इनकी मूवी में इनकी खुद की एक्टिंग बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मूवी की स्टोरी शायद उतने मज़े की नहीं होती थी, जिस वजह से इनकी हर मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन फिर इनको एक मूवी ऑफर हुई मौसम, मतलब उस मूवी के लिए शाहिद कपूर ने 1 से 1.5 साल लिया था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, उसमें वो पायलट का रोल करते हैं, और उन्होंने बाकायदा पायलट के साथ जाकर जो है पूरी प्रैक्टिस करी, सीखा कि उनका क्या, किस तरीके से वो रहते हैं, कैसे चलते हैं, बात करते हैं, पूरी चीज़ें करी। बट हुआ ये कि वो मूवी डिजास्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे, और वहाँ पे शाहिद कपूर बिल्कुल टूट गए। तेरे क्लिनिक पे आया था ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी। प्लीज प्लीज भाई, ये सब मत कर यार। ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल? तो जब वो मूवी डिजास्टर हो गई, शाहिद कपूर का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो कम से कम 2-3 साल का शाहिद कपूर ने एक लंबा गैप लिया। बट जब वो लंबा गैप लेकर आए तो उन्होंने भाई अपना माइंड बना लिया था कि अब जो है मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने स्टाइल से रन करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग पहले कहते थे कि शाहिद कपूर जो है वो शाहरुख खान की एक्टिंग करते हैं, उनको छापते हैं। बट शाहिद कपूर ने इस चीज़ का तगड़ा जवाब दिया, उन्होंने स्टार्ट लिया हटा पोस्टर निकला हीरो से, वो मूवी भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, कॉमेडी थी उसमें वो मूवी। हाँ, बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन व्यूवर्स को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद उनके आर राजकुमार, वो मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई, और ये दोनों ही मूवीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इसमें उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट थे, उनका हुलिया बिल्कुल डिफरेंट था, और एक एक्शन कॉमेडी थी और जस्ट एक कॉमेडी थी। बट नो डाउट दोनों मूवीज़ ने कमाल किया। लेकिन देखते ही देखते शाहिद कपूर फिर मेथड एक्टिंग में घुस गए, उन्होंने स्टार्ट किया हैदर मूवी से, मतलब वो मूवी किसको नहीं याद भाई। उसमें शाहिद कपूर ने 1 रुपया भी नहीं लिया था, फ्री में वो फिल्म करी थी, लेकिन उस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज में से वो एक आई, और नो डाउट उस मूवी ने हर जगह अवार्ड जीते, शाहिद कपूर ने अवार्ड जीता, और उस मूवी ने शाहिद कपूर का करियर यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। दिमाग की तो है नहीं, जान लो। और बस फिर क्या था, शाहिद कपूर को समझ आ गया कि लोग मुझसे चाहते क्या है। उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने सिर्फ हिट मूवीज करी हैं। अगर आप कबीर सिंह को भी ले लें, मतलब वो मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, उसने तो मतलब हल्ला मचा दिया था। उनका स्टाइल, उनकी बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल, उनका चश्मा पहनने का स्टाइल, हर चीज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा इन हो गई थी, मतलब लोग पागल से हो गए थे कि भाई क्या हो गया मार्केट में। और फिर लास्ट में जो उनकी अभी एक वेब सीरीज़ आई थी फर्जी,
वो देख के भी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए कि नहीं भाई ये सिर्फ सिनेमा का बंदा नहीं है, ये ऑल ओवर भी एक्टिंग कर सकता है। तो नो डाउट भाई शाहिद कपूर की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उतार चढ़ाव बहुत आए, बट इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपकी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, आप जो भी काम करते हो उसमें आप अच्छे नहीं हो, तो उसको आप इतना ज़्यादा डिप्रेस होकर मत लो, अपने आप पे मेहनत करो, सोचो कि यार क्या पता आपकी ही गलती हो, खुद को सुधार लाओ उसमें, और अगर एक बार सुधार आ गया तो आप ज़रूर कामयाब हो गए। तो शाहिद कपूर की जर्नी तो मेरे भाई हमें यही सिखाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते।